नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और गुरुवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज रात 12:35 तक रहेगी। आज सूर्य षष्ठी व्रत का तीसरा दिन है। आज सुबह 9:51 तक धृत योग रहेगा। आज दोपहर पहले 11:47 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लग जाएगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज यह योग रात 12:36 से अगली सुबह 6:10 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज यह योग नहीं बन रहा है। अब यह योग 9 नवंबर की सुबह 6:14 से दोपहर पहले 11:48 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 8 नवंबर की सुबह 7:20 से दोपहर पहले 11:43 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 11 नवंबर की सुबह 9:40 से दोपहर पहले 11:31 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 1:29 से शाम 7:52 तक, और एक बार फिर रात 10:07 से रात 12:27 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 1:59 से रात 8:22 तक, और एक बार फिर रात 10:37 से रात 12:57 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:38 से दोपहर पहले 11:47 तक, और एक बार फिर दोपहर 1:29 से शाम 7:52 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 14 नवंबर की सुबह 6:43 से सुबह 9:44 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 11 नवंबर की सुबह 6:41 से सुबह 7:09 तक, और एक बार फिर सुबह 9:27 से सुबह 9:40 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय 9 नवंबर की दोपहर 2:42 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:26 से दोपहर 2:48 तक। मुंबई दोपहर 1:47 से दोपहर बाद 3:12 तक। चंडीगढ़ दोपहर 1:27 से दोपहर 2:48 तक। लखनऊ दोपहर 1:12 से दोपहर 2:35 तक। भोपाल दोपहर 1:27 से दोपहर 2:51 तक। कोलकाता दोपहर 12:44 से दोपहर 2:08 तक। अहमदाबाद दोपहर 1:46 से दोपहर बाद 3:10 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 1:19 से दोपहर 2:46 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज जो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की।
मेष राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहने वाला है। आज आपके पारिवारिक जीवन में सौहार्द की वृद्धि होगी। आज कोई बड़ी किसी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ सकता है। आज धन लाभ के मौके हाथ लगेंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। आज संतान से आपको सुखद अनुभूति होगी। इंजीनियरिंग के छात्रों को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। आज कोई महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल, किसी महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल को पूरा करने में छात्र व्यस्त रहेंगे। आज जीवन साथी के साथ रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। सेहत के लिहाज से आप खुद को तंदुरुस्त महसूस करेंगे। आज किसी के साथ बेवजह की बहसबाजी में न पड़ें, इससे आपके कामों में भी देरी होगी। आज छात्रों को अपनी पढ़ाई के प्रति और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। आज किसी को भी शांति से, किसी भी मामले को शांति से सुलझाने की कोशिश करें। शाम को दोस्तों के साथ अधिक समय बिताएंगे, उनके साथ भविष्य को लेकर विचार करेंगे। लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आज रोजमर्रा के कामों में आपको ज़्यादा समय लग सकता है। आज आपको कारोबार में पैसा लगाने से पहले बड़ों की राय लेना आपके लिए कारगर साबित होगा। बड़े बुजुर्गों के पैर छुएं, धन धान्य में बढ़ोतरी होगी। पिता बच्चों की इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करेंगे। इस राशि के जो लोग नया बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए आज मार्केट एनालिसिस करना बेहतर होगा। आज कोई नई जिम्मेदारी आपको मिलेगी, जिसे आप बखूबी पूरा करने में सफल रहेंगे। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छा मुनाफा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 8। कर्क राशि वालों, आज अकारण शुरू हुई समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आज आपको ननिहाल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप विदेश में व्यापार करने की योजना बनाएंगे। आपकी सोशल मीडिया पर किसी से बात हो सकती है, जिससे आपको भविष्य में बहुत फायदा होगा। व्यायाम करने से स्वास्थ्य संबंधित परेशानी खत्म होगी। आप अपने आप को काफ़ी तरोताज़ा महसूस करेंगे, जिससे आप अपने काम को समय पर पूरा करने में सफल होंगे। आज मित्रों की सहायता से आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। काफ़ी दिनों बाद आज परिवार के साथ समय बिताएंगे। आज उनके प्रति लगाव बढ़ेगा। आज रुके कार्यों में प्रगति होगी। आपके गृहस्थ जीवन में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। डिप्लोमा कर रहे छात्रों को अपने सीनियर से महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए आप किसी अच्छी कंसल्टेंट टीम से बातचीत करेंगे। लवमेट शाम को डिनर साथ में करेंगे, जिससे उनके बीच में और ज़्यादा प्रेम बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। आज आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आज आपके कार्य समय रहते पूरे होंगे। आज आपके दाम्पत्य जीवन में आपसी तालमेल बढ़ेगा। आज किसी कार्य में घर वाले आपकी तारीफ करेंगे। छात्रों की पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। आपकी नौकरी में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। किसी से लिया ऋण आज वापस करेंगे। आज आपकी परेशानियां कम होंगी। आपका मन हल्का होगा। लवमेट आज डिनर पर जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज आप कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं, जो आपकी आर्थिक स्थिति और घर की व्यवस्था ठीक रखने में सहायक हो सकते हैं। मिलजुल कर किए गए कार्यों में आपको बहुत हद तक सफलता मिलेगी। आज कम्युनिकेशन के वक्त अपनी बात सही तरह से रखना आपके लिए सम्मानदायक रहेगा। काम की जगह बदलने से आपकी ऊर्जा में बदलाव आएगा। लोगों की नज़रों में आपकी पॉजिटिव इमेज बनेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन पहले से ज़्यादा फायदा दिलाने वाला रहेगा। किसी रिश्तेदार से चल रही अनबन आज खत्म हो जाएगी। आपको अधिक खाने पीने से बचना चाहिए और सेहत का ध्यान रखना चाहिए।
कारोबार में बरकत होगी, आपकी आय के साधनों में वृद्धि होगी, सोची हुई योजनाओं में आज सफलता मिलने के संकेत हैं। आप अपने भाई बहनों के साथ किसी दर्शनीय स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं। अचानक आपके किसी अति प्रिय रिश्तेदार या मित्र से मुलाकात होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज आप किसी विपरीत परिस्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखेंगे। आज अपनी पुरानी गलतियों को भूलकर आगे बढ़ेंगे। जल्दी ही आप अपनी सफलता का मार्ग खोज लेंगे। बच्चों की किसी विशेष समस्या का हल मिलने से राहत मिलेगी। आपका मानसिक सुकून बना रहेगा। कोई धार्मिक यात्रा संबंधी प्रोग्राम भी बन सकता है। आपका मिलनसार व्यवहार आपको लोगों का प्रिय बना देगा। आपके विरोधी आपके बारे में अफवाहें फैलाने का काम कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। पिता का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। अपनी ऊर्जा से आप बहुत कुछ हासिल करेंगे, बस अपनी काबिलियत पर भरोसा करें। आज आप दिन की शुरुआत में ही अपनी दिनचर्या की प्लानिंग कर लेंगे, इससे सभी गतिविधियां बेहतर तरीके से पूरी हो जाएंगी। आज किसी खास व्यक्ति के सहयोग से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। मन मुताबिक सफलता मिलने से आपको सुकून मिलेगा। किसी कठिन परिस्थिति में आपको कुछ लोगों से आसानी से मदद मिल जाएगी। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज ऑफिस के किसी काम के कारण आपकी अचानक यात्रा हो सकती है। आज आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस राशि के जो लोग बेकरी के बिजनेस से जुड़े हैं उनको आज उम्मीद से ज़्यादा लाभ होगा। जल्दबाजी में आकर किसी भी निर्णय को लेने से बचें, पहले सोच विचार कर लेना अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है। आज कामकाज को पूरी गंभीरता से करेंगे। घर के वरिष्ठ लोगों का सहयोग भी बना रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं से संबंधित व्यवसाय में अच्छा मुनाफा होगा। आज घर में किसी बच्चे की किलकारी संबंधी शुभ सूचना मिलने से खुशी भरा माहौल बन जाएगा। आज किसी मित्र की मुलाकात से आपको खुशी होगी। आज आप शाम को किसी पार्टी में जा सकते हैं जहां आप खूब एंजॉय करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज पानी पीकर कोई काम शुरू करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज ज़रूरतमंद को कंबल दान दें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपको कोई किसी ज़रूरत का सामान कोई गिफ्ट करेगा, आपको खुशी होगी। मूलांक 2, आपसे मिलने आज कोई खास व्यक्ति आने वाला है जिसका आपको काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। मूलांक 3, आज किसी भी परिस्थिति में अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। मूलांक 4, आज लोगों के बीच आपका व्यवहार मधुर रहेगा, मानसिक शांति बनी रहेगी। मूलांक 5, आपके लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है, आपकी कोई इच्छा पूरी होगी। मूलांक 6, आज मानसिक सुकून और शांति बनाए रखने के लिए अध्यात्म और धार्मिक गतिविधियों में समय बिताएंगे। मूलांक 7, आज कई तरह की योजनाएं दिमाग में आएंगी और उन्हें फलीभूत करना भी आसान होगा। मूलांक 8, आज परिवार में खुशी भरा वातावरण रहेगा, आपके रिश्ते संबंधी बात चल सकती है। मूलांक 9, अपने काम के तरीके को व्यवस्थित बनाने से आप जल्दी ही अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम आपको पिरामिड के जरिए कुछ वास्तु संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के बारे में बताएंगे। यदि आपके घर के भूखंड की भुजाएं मुख्य दिशाओं के समानांतर नहीं हैं तो ऐसे भूखंड को दिग्दोष वाला भूखंड कहते हैं। दिग्दोष के अलावा अगर आपके भूखंड में आकार संबंधी कोई भी समस्या है तो इस भूखंड के मध्य में 9, 36, 54 या 81 पिरामिड भूखंड के आकार के हिसाब से दबवाना चाहिए। ऐसा करने से आप इन वास्तु संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने में समर्थ होंगे।
इसके अलावा वीथी शूल समस्या होने पर भूखंड की उस दिशा में 9 पिरामिड लगाने चाहिए जहां पर वीथी शूल हो रहा है। यदि भूखंड के समीप से निकलने वाले मार्ग भूखंड पर एक तीर की तरह आकृति बनाते हैं तो ये वीथी शूल समस्या कहलाता है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा पिरामिड के जरिए कुछ वास्तु संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और गुरुवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज रात 12:35 तक रहेगी। आज सूर्य षष्ठी व्रत का तीसरा और महत्वपूर्ण दिन है, या इसे डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यदेव के तेज से शोभित छठ पूजा का ये त्यौहार बीते 5 नवंबर को शुरू हुआ था। आज शाम के समय डूबते सूर्य को पहला अर्घ दिया जाएगा, फिर कल सुबह उगते हुए सूर्य को दूसरा अर्घ दिया जाएगा और अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। साथ ही ये भी बता दूं कि आज सूर्यास्त का समय शाम 5:28 पर है और छठ पूजा के चौथे दिन यानी कल सूर्योदय का समय सुबह 6:43 तक पर है। सूर्य षष्ठी का ये व्रत संतान की लंबी आयु, अच्छी सेहत, पारिवारिक सुख समृद्धि और मान सम्मान हेतु किया जाता है। तो ये थी आज सूर्य षष्ठी की चर्चा और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज सुबह 9:51 तक धृत योग रहेगा। धृत योग के दौरान रखा गया नींव का पत्थर आजीवन सुख सुविधाएं देता है, अर्थात यदि रहने के लिए किसी घर का शिलान्यास इस योग में किया जाए तो इंसान उस घर में रहकर सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करता है और आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। साथ ही आज दोपहर पहले 11:47 से शुरू होकर कल दोपहर 12:04 तक रवि योग रहेगा। सूर्य के प्रभाव वाला रवि योग बहुत ही प्रभावशाली है। सूर्य की ऊर्जा से भरपूर होने के कारण इस योग में किए गए कार्य कभी बिगड़ते नहीं हैं, अपितु ये बड़े ही शुभ फल देते हैं। आज दोपहर पहले 11:47 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लग जाएगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, लिहाजा आज हम बात करेंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में उत्तराषाढ़ा 21वां नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। इस नक्षत्र का पहला चरण धनु राशि में और बाकी 3 चरण मकर राशि में होते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के देवता विश्वेदेव हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि विश्वेदेव में 10 देवताओं के नाम शामिल हैं और वो देवता हैं त्वष्ट्रा, सोम, इंद्र, अग्नि, पूखन, रुद्र, अश्विनी, विष्णु, मित्रावरुण और अंगीरस। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह हाथी के दांत को माना जाता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातक अपने लक्ष्य की प्राप्ति और अपने प्रयासों को सफल बनाने में सक्षम होते हैं। साथ ही ये परंपराओं का सम्मान करने वाले होते हैं, इसलिए इन्हें परंपराओं को तोड़ने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। इस नक्षत्र के दौरान शिल्प कला से जुड़े कार्य, विद्या आरंभ, वास्तु शांति, कृषि से संबंधित आदि कार्य करना शुभ माना जाता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं और सूर्य देवता सकारात्मकता के प्रतीक हैं, जो अपनी ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं और सबके अंदर तेज कायम करते हैं। सूर्य देव सभी 9 ग्रहों के केंद्र बिंदु हैं और अपना प्रकाश उन तक पहुंचाते हैं। लिहाजा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्यदेव की उपासना करना बड़ा ही शुभ फलदायी रहता है। इसके अलावा पेड़ पौधों में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का संबंध कटहल के पेड़ से है, लिहाजा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोगों को कभी भी कटहल के पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि इसकी पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दौरान कटहल के फल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको किसी को नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपके जीवन की गति और तेज दोनों ही बने रहेंगे। इसके अलावा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दौरान नए कपड़े पहनना या खरीदना अच्छा माना जाता है। इस दौरान नए कपड़े पहनने से भविष्य की राहें साफ होती जाती हैं और साथ ही व्यक्ति को स्वादिष्ट भोजन खाने का अवसर मिलता है
और नए मित्रों की प्राप्ति होती है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दौरान सफ़ेद, पीले और लाल रंग के कपड़े पहनना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले धृति योग, रवि योग और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की। और अब बात करेंगे आज छठ पूजा के दूसरे दिन किए जाने वाले खास उपायों की, जिसे करके आप अपने जीवन में चल रही समस्त समस्याओं का समाधान पाने में सफल होंगे। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और आपको अपनी नौकरी में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है या आपका प्रमोशन होते होते अटक गया है, तो आज के दिन आपको सूर्यदेव के इस विशेष मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं ह्रणे सूर्य आदित्याय श्रीं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी नौकरी में जो भी परेशानी आ रही है उससे आपको छुटकारा मिलेगा और आपका प्रमोशन भी जल्दी ही हो जाएगा। अगर आप घर के बड़ों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाए रखना चाहते हैं, तो आज के दिन एक लोटा जल लेकर उसे ढककर सूर्य की रोशनी में रख दें और अगले दिन उस लोटे के जल को अपने नहाने के पानी में मिलाकर उससे स्नान कर लें। ध्यान रहे, सूर्य के उगने से पहले ही स्नान कर लें और स्नान करने के बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ दें। आज के दिन ऐसा करने से घर के बड़ों के साथ आपके रिश्ते काफ़ी अच्छे बनेंगे। अगर आप संतान सुख पाने की इच्छा रखते हैं, तो आज के दिन शाम के समय सूर्यदेव को अर्घ दें, साथ ही गेहूं के आटे और गुड़ को मिलाकर कुछ पकवान बनाएं और उसे पक्षियों को डाल दें। यहाँ एक बात ध्यान वाली है कि कबूतरों को नहीं डालना है, चिड़ियों को डालना है। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्दी ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगर आप अपना तेज कायम रखना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको शाम के समय एक लोटे में जल लेकर उसमें एक लाल रंग का फूल डालकर सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए और दोनों हाथ जोड़कर सूर्यदेव को प्रणाम करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका तेज कायम रहेगा। अगर आपके पिता की सेहत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है, तो आज के दिन अपने पिता के वजन के दसवें हिस्से के बराबर बाजरा या गेहूँ उनके हाथों से स्पर्श कराकर मंदिर में दान करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके पिता की सेहत जल्दी ही अच्छी होगी। अगर आप अपने परिवार की खुशहाली और सबका अच्छा स्वास्थ्य बरकरार रखना चाहते हैं, तो आज आपको शाम के समय किसी तालाब के किनारे जाकर एक थाली में कच्चा नारियल, फूल और धूप दीप रखकर सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद घर आकर नारियल को प्रसाद के रूप में परिवार के सब सदस्यों में देना चाहिए। अगर आपकी संतान का ट्रांसफर कहीं दूर अनचाही जगह पर हो रहा है, तो आज के दिन लाल गाय की सेवा करनी चाहिए। आज के दिन गेहूं को उबालकर उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर गाय को खिलाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान का ट्रांसफर किसी दूर जगह पर होने से रुक जाएगा और होगा तो मनचाही जगह पर होगा। अगर आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं और आपके अंदर प्रतिभा होते हुए भी आपको मन मुताबिक प्रोजेक्ट या ऑफिस में अच्छी पोजीशन नहीं मिल पा रही है और आपके काम का फ़ायदा दूसरे लोग उठा ले आते हैं, तो आज के दिन आप अपने पिता को एक तांबे का सिक्का भेंट करें और सूर्यदेव के इस मंत्र का दो माला यानी 216 बार जप करें। मंत्र है ओम घृणे सूर्याय नमः। आज के दिन ऐसा करने से ऑफिस में आपको अच्छी पोजीशन मिलेगी और अपनी प्रतिभा के अनुसार प्रोजेक्ट भी मिलेंगे। जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या जो लोग कहानीकार, कवि, आर्टिस्ट या फिल्मों में काम करते हैं और उन्हें अपने काम में सही पहचान नहीं मिल पा रही है या आपका बना बनाया काम बिगड़ जाता है, तो आज के दिन आपको लाल फूल वाले पौधे को प्रणाम करना चाहिए और उसमें जल चढ़ाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने काम में पहचान मिलेगी और आपका काम बिना किसी अड़चन के पूरा हो जाएगा। अगर आप समाज में अपना मान सम्मान और दबदबा बनाए रखना चाहते हैं, तो आज के दिन शाम के समय सूर्यदेव को प्रणाम करके 24 बार गायत्री मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के दिन ऐसा करने से समाज में आपका मान सम्मान और दबदबा बना रहेगा। अगर आप काफ़ी समय से राजनीति से जुड़े हैं लेकिन आपको कोई अच्छा पद नहीं मिल पा रहा है, तो आज शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दें और अपने घर में सूर्य यंत्र की स्थापना करें। आप चाहें तो धातु आदि पर बना सूर्य यंत्र ले सकते हैं
या फिर स्वयं भोजपत्र पर सूर्यंत्र बनाकर स्थापित कर सकते हैं। आज भोजपत्र पर अष्टगंध से अनार की कलम के द्वारा सबसे पहले एक वर्ग की आकृति बनाइए और उस वर्ग में 9 खाने बनाइए, यानी 3 कॉलम बनाने हैं और एक कॉलम में 3 खाने बनाने हैं। पहले कॉलम में बाईं से दाईं तरफ क्रमशः 6, 1 और 8 लिखना है, फिर दूसरे कॉलम में बाईं से दाईं तरफ क्रमशः 7, 5 और 3 लिखना है। इसी तरह आखिरी कॉलम में 2, 9 और 4 लिखना है। पहले कॉलम से फिर से बताते हैं आपको, पहले कॉलम में बाएं से दाएं तरफ 6, 1, 8, दूसरे कॉलम में 7, 5, 3, तीसरे कॉलम में 2, 9 और 4 लिखना है। इस प्रकार आपका यंत्र बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास भोजपत्र आदि ना हो तो आप सफ़ेद कोरे कागज पर लाल स्याही से और लाल पेन से इस यंत्र को बना सकते हैं। इस प्रकार यंत्र तैयार होने के बाद उसे उचित स्थान पर स्थापित करके उसकी धूप दीप पुष्प आदि से पूजा करके उसे सिद्ध करें और अपने घर के मंदिर में या किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर स्थापित कर दें। आज सूर्य यंत्र की स्थापना करने में आपको राजनीति के क्षेत्र में बहुत ही जल्दी ही अच्छा पद मिलेगा। तो ये सारी चर्चा थी धृत योग, रवि योग, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और सूर्य षष्ठी यानी डाला छठ के बारे में। उम्मीद है कि आप इन उपायों को करके अब फायदा जरूर उठाएंगे। और इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, एक विशेष नज़र छठ पूजा के आज के कृत्य पर। आज सूर्यदेव तुला राशि में 20 अंश के हैं। तुला राशि में सूर्यदेव अपनी नीच राशि में होते हैं। यानी नीच का एक तो नीच और उच्च का जो अर्थ है, लोग समझते हैं नीच माने नीचा गिरा हुआ, उच्च माने हाई फाई। नीच का मतलब जब सूर्य नियरेस्ट होगा, नजदीक होगा। आज सूर्य आपका निकटतम स्थिति में 20 अंश पर है। इस समय सूर्य 20 अंश और 57 कला का है। प्रश्न यह है कि डूबते सूर्य की तरफ देखते भी नहीं, और अगर देखते भी हैं तो उंगलियों के छेद के बीच से देखते। ऐसे नियम में डूबते सूर्य को अर्घ देना क्यों स्वीकार किया एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लोगों ने, और वो क्यों ऐसा करते हैं? देखो, हमारी जो भी परंपरा डेवलप हुई है, हर परंपरा ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में साबित होती है कि वो विज्ञान से जुड़ी हुई थी। सूर्य के प्रति देखो, सूर्य तो हम सबका पिता है, हम सबका जन्म देने वाला है, हमारा मूल ईश्वर ही सूर्य है अगर सच पूछा जाए तो। और सूर्य से रिलेटेड गायत्री मंत्र है 1,24,000 पर सेकंड, क्या वाइब्रेशन है उसकी, मंत्र राज है, मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? हमारे सौरमंडल का राजा तो सूर्य ही है, साल में एक ही बार डूबता है और छठ पूजा इसी समय होती है। डूबते हुए सूर्य को हम नमस्कार करते हैं। अब एक तरफ तो नीच शब्द से जो नीच अब अर्थ लेते हैं, उस नीच को ले लिए तो नेगेटिव हो गया, और दूसरा डूबता हुआ सूरज ले लिए तो दूसरा नेगेटिव हो गया, और दो माइनस मिलके एक प्लस बनता है। ये मैथमेटिक्स का नियम है, गणित का नियम। तो डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर व्रत पूरा नहीं होता, फिर अगले दिन आपको अगले सूर्य को, उगते सूर्य को पुनः नमस्कार करना भोर के समय, अरुणोदय काले च ब्रह्म मुहूर्त में, जब अरुणोदय यानी सूर्य ठीक से लाल मतलब ऑरेंज और रेड के बीच का हो, अरुण अरुण माने लाल, अरुणोदय जिस समय सूर्य की लालिमा निकल रही हो उस समय सूर्य को अर्घ देना। तो डूबते हुए सूरज को प्रणाम करके उगते हुए सूर्य की प्रार्थना, नीच के सूर्य को नमस्कार करके सूर्य के फ्रेश एस्पेक्ट को प्रणाम करना। और सूर्य संतान से संबंध रखता है, किसी भी संतान में पिता सूर्य है, माता चंद्रमा है, भाई मंगल है, बहन बुध है, स्त्रियों में पति बृहस्पति है, पुरुषों में स्त्री शुक्र है। ऐसे ही हमारे पूर्वजों का संबंध शनि से है, या कहीं कहीं हमारे सेवकों का संबंध भी शनि से है। जो जो बोझ ढोते हैं,
जो जो तमाम काम करते हैं उनका भी संबंध। राहु का संबंध ज्ञान से है और केतु का संबंध मोक्ष से है। तो सूर्य का यह व्रत करने से एक पिता अपने पुत्र के प्रति, अपने संतान के प्रति जो आस्था, जो शुभेच्छा रखता है, वो शुभेच्छा पूरी होती देखी जाती है। उस शुभेच्छा के पूरा होने का एक वातावरण प्रकृति निर्माण करती है और पुरुष उस वातावरण के साथ कोरिलेट करता है, उसका लाभ लेता है। तो बड़ा अभूतपूर्व है ये व्रत डाला छठ। इससे प्रकृति जो आपको दे रही है उसे प्राप्त करने, उसे कई गुना करने की, उसे लाभ हासिल करने का एक अद्भुत वैज्ञानिक प्रयास है। ये कोई कहीं सुनी नहीं है, ये भारत माइथोलॉजी नहीं है, मिथ नहीं है, ये झूठ नहीं है, ये प्रपंच नहीं है, ये एक सत्य है जो विशुद्ध घटनाओं पर, वैज्ञानिक घटनाओं पर आधारित है। और अब बात आज के तीर्थ की। आज छठ का तीसरा दिन है। आज हम आपको कराने जा रहे हैं देव सूर्य मंदिर के दर्शन। ये मंदिर बिहार के औरंगाबाद जिले में देव नामक स्थान पर बना हुआ है। ये सूर्य मंदिर पश्चिमाभिमुख है, जिसे पत्थरों को काटकर बेहतरी से शिल्प कला के माध्यम से बनाया गया है। अब यहाँ गौर करिए, पश्चिम में तो सूर्य देव अस्त होते हैं और ये देव मंदिर पश्चिमाभिमुख है। कहा जाता है कि ये मंदिर द्वापरकालीन है, जिसे भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने बनवाया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस स्थान पर देव माता अदिति ने तेजस्वी संतान की प्राप्ति के लिए तप किया था। आमतौर पर प्रतिदिन यहाँ श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन छठ के मौके पर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। तो आप भी घर बैठे कीजिए अद्भुत और प्राचीन मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे विभिन्न आकृति के चेहरे वाले लोगों के बारे में। हर व्यक्ति के चेहरे की आकृति, उसकी शेप कुछ अलग ही देखने को मिलती है, जिससे हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार मुख्य रूप से चार तरह के चेहरे वाली आकृति के लोग देखने को मिलते हैं और वो आकृतियाँ इस प्रकार हैं: वर्गाकार, वृत्ताकार, शंक्वाकार और अंडाकार। अगर संक्षेप में बात करें तो वर्गाकार आकृति के चेहरे वाले लोग सेहत के मामले में स्वस्थ, अनुशासन में रहने वाले, अपने काम के प्रति संतुलित व्यवहार रखने वाले और विश्वास के योग्य होते हैं। वृत्ताकार आकृति के चेहरे वाले लोग थोड़े मोटे, काम के प्रति आलसी और गुस्सैल किस्म के होते हैं। इसके अलावा शंकु के आकार के या त्रिकोण आकार के चेहरे वाले लोग बुद्धिमान और दूरदर्शी सोच रखने वाले होते हैं। वहीं अंडाकार चेहरे वाले लोग सुंदर, आकर्षक और कला प्रेमी होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा विभिन्न आकृति के चेहरे वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 7 नवंबर को कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि में नीम या नीम से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। षष्ठी तिथि आज रात 12:35 तक रहेगी, उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 11:57 तक रहेगी। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही है। इस दिन किसी भी ताड़ के फल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज राम दरबार की तस्वीर जेब में रखें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।